أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Wait a minute guys, don't forget to subscribe and turn your post notifications on so you'll be notified every time I post a new video and don't forget to give all of our videos a thumbs up and let's continue with our recipe. Hey guys, welcome back to Cooking with Sarah. Today I'm back with a new video for you guys. Today we're making Hyderabadi Dum Biryani. Assalamu alaikum. Today we're going to make lage Hyderabadi Dum Biryani. Iske liye hame jo cheeze chahiye yahan pe mere paas 2.5 kg chicken hai aur 1 pyali maine yahan pe fried onions liye hain aur iske liye maine yahan pe 3 teaspoon dhaniya powder liya hai aur 2 teaspoon red chili powder liya hai aur yahan pe मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी जो जो मसाले मैं इसमें डालूंगी और यहाँ पे मेरे पास 3 टेबलस्पून लेमन जूस था 3 टीस्पून मैंने बिरयानी मसाला लिया है हाफ थोड़ा सा मैंने धनिया थोड़ा पुदीना एक ग्रीन चिलीज मैंने 8-10 लेके उनको क्रश कर लिया तो हम पहले स्टार्ट करते हैं इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे चिकन को मैंने एक पॉट में डाल दिया और ये मसाले जो हैं सॉल्ट ब्लैक पेपर एवरीथिंग मैं इसमें डाल दूंगी और इसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पे 3 टेबलस्पून धनिया बिरयानी मसाला आप किसी भी कंपनी का ले लें वो मैंने इसमें डाल दिया है मेरे पास यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट है 3 टेबलस्पून ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है और यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली की उसको क्रश कर लिया था पानी डाल के ये मैंने इसमें डाल दिया 8-10 ग्रीन चिलीज थी और इसके बाद अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा लेमन जूस है यहाँ पे मेरे पास 3 टेबलस्पून लेमन जूस है मैंने फ्रेश लेमन का निकाल लिया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और मेरे पास यहाँ पे टोमेटोज़ हैं आपने इसको मोटा मोटा काट लें जैसे भी स्लाइस में काट लें प्यूरी करके भी डाल सकते हैं 3 टोमेटोज़ थे मेरे पास और अब मेरे पास यहाँ पे 1 प्याली फ्राइड अनियंस हैं आप ये बाज़ार के भी यूज़ कर सकते हैं खुद भी फ्राई कर सकते हैं और यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा धनिया थोड़ा पुदीना मैंने काट के रख लिया था ये मैंने इसमें ऐड कर लिया तो आप लोग भी इसको हम पहले मैरिनेट करने के लिए रखेंगे और यहाँ पे मेरे पास 1 प्याली जो है योगर्ट है इसको थोड़ा सा बीट करके तो ये मैं इसमें ऐड कर लूँगी तो अब ये सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और मैंने हाथ धो लिए थे अच्छी तरह से ये इसमें मिक्स हो गया मैं इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी तकरीबन 30 मिनट्स के लिए और थोड़ा सा ऑयल भी इसमें ऐड कर दूँगी और 30 मिनट्स के लिए रख दूँगी यहाँ पर मैंने जो है चावल बॉयल करने हैं तो चावल को हम पूरा बॉयल नहीं करेंगे 80% तक हम बॉयल करेंगे पहले मैंने चावलों को सोक करके रख दिया है 30 मिनट्स के लिए और जब तक मैं यहाँ पे इनका पानी बॉयल कर लूँगी मैंने 3 कप जो है चावल लिए हैं और यहाँ पे मैंने 2 तेज़पत्ता डाले एक दालचीनी थोड़ी बड़ी इलायची एक बड़ी इलायची डालूँगी थोड़ी मैंने यहाँ पर काली मिर्च 2-3 लौंग और थोड़ी छोटी इलायची डाल के सारे गरम मसाले डाल के मैं इसमें चावलों का पानी बॉयल होने के लिए रख दूँगी तो अभी ये एक बड़ी इलायची डाल दी है मैंने अगर 3 कप चावल लिए हैं तो मैं इसमें 3 ही कप जो है सॉल्ट ऐड सॉरी 3 टेबलस्पून 3 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है मैंने इसमें अब मैं इसमें थोड़ा सा विनेगर डालूंगी 2 टीस्पून आप कोई भी विनेगर यूज़ कर सकते हैं अब मैं इसका पानी बॉयल होने के लिए रख दूंगी और ये पानी जब बॉयल हो जाए तो ये अभी बॉयल हो जाए तो फिर मैं इसमें चावल डालूंगी दूसरी डेगची में जो हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन था 30 मिनट्स हो गए इसमें मैंने ऑयल डाला है 1/2 कप और इसको मैं थोड़ा सा 5 मिनट्स के लिए सिर्फ इसको इसमें भून लूँगी फ्राई कर लूँगी और वैसे तो एक कच्चे गोश्त में बनती है बिरयानी दम पे
तो चावलों को 30 मिनट्स हो चुके हैं, ये सोख हो गए थे, ये बॉयल भी हो गया था हमारा वाटर, इसमें मैंने ऐड कर लिया और 80% तक मैं चावल पका लूँगी। यहाँ पे चिकन ने पानी छोड़ दिया है और अब मैंने इसको और फ्राई नहीं करना, इसका ये जो पानी है इसी में जो है ये हम चावल ऊपर से इसमें 80% हो जाएंगे तो इसमें डाल देंगे और बाकी चिकन दम पे जो है वो पकेगा। तो बहुत ही आप कोई भी पुराना तवा लेके उसके देगची के नीचे रख लें, पॉट के नीचे, ताकि आपके चावल और चिकन लगे नहीं। अब हम इसको तय लगा लेंगे, जो चिकन का पानी उसने छोड़ा था उसी में वो चिकन भी गलेगा और बाकी के जो 80% चावल हमने कुक किए थे बाकी के चावल भी उसी में गल जाएंगे। तो इस तरह से हम कच्चे चिकन के ऊपर ये डाल देंगे चावल हमारे। और मैंने सिर्फ 5 मिनट उसको चिकन को भूना था, ज़्यादा नहीं भूना था उसको। और ये मैं इस पे थोड़ा सा पुदीना डालूँगी, थोड़ा सा धनिया डालूँगी क्योंकि हम तय लगाएंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ी प्याज फ्राई कर ली थी, ये मैं इस पे थोड़ा इस तरह से डालूँगी। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जो है ऑरेंज कलर पानी में घोल के रख लिया था, हम थोड़ा सा ड्रॉप इसमें ऐड कर देंगे। अब हम फिर से इस और थोड़ी सी हम इस पे अब चावल फिर से डालेंगे। चावल अभी बॉईल हो रहे हैं, मैंने चावलों का स्टोव अभी बंद नहीं किया, वो साथ साथ बॉईल होते जा रहे हैं, तो हम उसमें से ही निकाल के इसमें डाल रहे हैं। हमने चावलों का पानी ड्रेन नहीं किया था, उसी में से चावल निकाल के तो मैं इसकी तह लगा रही हूँ। फिर से हम थोड़ा धनिया पुदीना डालेंगे, थोड़े से प्याज डालेंगे। और थोड़ा फूड कलर ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल सी बनती है, थोड़ा डिफरेंट टेस्ट होता है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती लेकिन अच्छी बनती है। अब ये बाकी ऊपर इसकी हम तीसरी तह लगा देंगे। थोड़ा पुदीना, थोड़ा धनिया और फिर से हम इस पे फ्राइड प्याज डाल के थोड़ा सा फूड कलर और हम थोड़ी सी हरी मिर्चें भी एंड पे ऐड कर देंगे। अब हम इस पे फॉइल पेपर ले लें या आप कोई पुराना कपड़ा ले लें, क्योंकि हमने दम पे इसको पकाना है, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर फॉइल के पेपर से इसको पूरा कवर कर दूँगी। और अब इसके बाद मैं इसको ढक के इसके ऊपर कोई वज़न रखूँगी भारी, ताकि हमारी जो अंदर उसकी स्टीम है वो बाहर ना आए ज़्यादा। अभी मैं इसको 5 मिनट्स, इसको मैं फुल हीट पे रखा था, 5 मिनट्स मैंने मीडियम हीट पे रखा था और अब मैंने दम पे रख दिया है, और दम पे मैं इसको 25 मिनट्स के लिए रखा है मैंने इसे। अब 25 मिनट्स हो चुके हैं, अब मैं इसका दम खोल के देखूँगी कि हमारे चावल रेडी हुए हैं कि नहीं हुए। ये देखिए हमारे चावल रेडी हो चुके हैं, और स्टीम कैसे आप देख रहे होंगे कि स्टीम आपको नज़र आ रही है, सारी चावल हमारे गल चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा चिकन नीचे से लगा तो नहीं है। ये देखिए हमारा चिकन लगा नहीं है और कच्चा भी नहीं है और बिल्कुल गल चुका है, तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए हमारे चावल बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं और
हमारा चिकन भी अच्छी तरह से गल चुका है और ये देखें कलर उसका कितना ज़बरदस्त सा आ गया है। तो आप लोग इसको ट्राई करें। तो यही आपकी अच्छी बिरयानी इसी तरह से। दो मसाले जल्दी जल्दी में मिस हो गए थे। तो यहाँ पे मेरे पास 2 टीस्पून सॉल्ट है, 3 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर 2 टीस्पून, यहाँ पे कसूरी मेथी है मेरे पास 2 टीस्पून, थोड़ी सी ब्लैक पेपर है और एक दालचीनी है और जीरा है, थोड़ी सी एक बड़ी इलायची है, 2-3 तेज़पात थे और ये सारे मसाले जो है मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो आप लोग फिर से चेक कर लेना और अल्लाह हाफिज़।